हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और अभी तो एस्टेट का एग्ज़ाम है नहीं, इसका रिज़ल्ट आना है। तो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आने वाला है वो है रेलवे एनटीपीसी। तो इस चैनल के माध्यम से अब हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। जैसे मेरे पास स्पीडी बुक है, पब्लिकेशन की बुक है, जो रेलवे की तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और जैसा कि इसका सिलेबस क्या है सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए। अभी भी आपके पास, अभी भी अच्छे से आपके पास 2 महीने हैं। अगर आप रेगुलर स्टडी करें तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप नौकरी नहीं ले, आपको आपको नौकरी मिलेगा ही। जैसे कि इसका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस जो 40 मार्क्स का, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसके भी 30 नंबर, मतलब मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे 30 के, तो ज़्यादा वेटेज यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का है। तो अगर आपका अभी आप जनरल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका प्री निकल गया तो मेंस में भी जनरल अवेयरनेस को ही ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो आज से शुरू करते हैं स्पीडी जो पब्लिकेशन बुक है उसका हम लोग पढ़ेंगे। आप अगर मेरी आवाज़ सुन भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मेरे बोलने से आपको याद हो ही जाएगा। तो आज हम लोग इस बुक का 2 पेज याद करेंगे, पढ़ेंगे बस। टोटल इसमें 250 पेजेस हैं तो हम लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आर टाइम। तो सबसे पहले, भारतीय रेल एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में पूछा गया तो रेल सबसे बड़ी, और विश्व में पूछा गया तो ये दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारतीय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1690 ईस्वी में पारित हुआ। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता के में दमदम में टॉलीगंज तथा तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को सहारद्रा से 30,000 के बीच प्रारंभ हुई। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4,286 किलोमीटर जाती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एकवट समिति से के सिफारिश पर हुआ। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, और सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय उत्तर प्रदेश में है, जो पूर्व मध्य रेलवे में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है, मीन्स मंडल है, और भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है, और रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, और भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ
16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल मीन्स RPF 1882 को गठित हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस शुरुआत 5 अप्रैल 2016 जो दिल्ली आगरा के बीच चलती है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। कोकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998 परियोजना भारतीय रेलवे को की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और वडोदरा के बीच 1936 ईस्वी में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल सेतु विमनान रेल सेतु कोची केरल तथा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल में है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुश्री मुमताज कथावाला है। समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोड़ घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते थे। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकहोल्म से डॉलिंगटन चली गई। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस में है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन है और विश्व में पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में 10 मई 1863 को चली थी। तो ये था पहला पेज। होप ये आपको समझ आया होगा और आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। रेगुलर इस चैनल पे बने रहें न्यू अपडेट के लिए।